पहली बात तो यार, वाई शुड यू केयर वट विजुअल नावल इज़? तुम्हें फ़र्क ही क्यों पड़ना चाहिए कि ये चीज़ है क्या? इसके लिए हमें आज तक के ना सारे मोस्ट रेटेड एनीमे देखने पड़ेंगे। तो पहला है स्टाइन्स गेट। अगर टाइम ट्रैवलिंग की बात करें ना, तो सबसे शायद सब कुछ फीका पड़ जाए इसके आगे। तो यार ये भी एक विजुअल नावल था जिसका एनीमे एडेप्टेशन हुआ। अगला है क्लैनेड। क्या बताने की ज़रूरत है, इसे देख के कौन नहीं रोया होगा। अगला है व्हेन दे क्राई। क्या इससे अच्छा मिस्ट्री हॉरर एनीमे हो सकता है जो कि एक विजुअल नावल से ही आया था? और भी एग्जांपल है विजुअल नावल की सक्सेस के, पर अगर मैं ऐसे वीडियो बनाता रहा तो शायद ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। पर एक और फैक्ट जो शायद तुम्हारे होश उड़ा दे, अभी इस साल का टॉप एनीमे अटैक ऑन टाइटन जो था, वो इसी आमा सर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो एनीमे भी, उसकी एंडिंग जो है ना, वो भी एक विजुअल नॉवल से इंस्पायर की गई है जिसका नाम है म्यूव लव। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई रीज़न चाहिए कि विजुअल नॉवल क्यों देखूं, तो भाई इसे देखो, वरना हमने ये तो बात कर ली है कि विजुअल नॉवल्स आर गुड, पर अब विजुअल नॉवल्स हैं क्या? ओके, चलो इसे गूगल करते हैं। अ विजुअल नॉवल, ऑफन एब्रिविएटेड एज VN, इज एन इंटरैक्टिव फिक्शन वीडियो गेम जॉनर फीचरिंग टेक्स्ट बेस्ड स्टोरी विद नरेटिव स्टाइल ऑफ लिटरेचर एंड इंटरैक्टिव एडिटेड बाय स्टैटिक और स्पेटेड बेस्ड विजुअल्स, मोर ऑफन यूजिंग एनिमे स्टाइल आर्ट और ओकेजनली लाइव एक्शन स्किल्स। बेसिकली स्क्रीन पे तुम एक पिक्चर देख पा रहे होगे जहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ तुम्हें कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो ये ऐसे ही होते हैं, इनके अंदर टेक्स्ट आता है सामने जिससे तुम है ना दूसरे की बातें सुन सकते हो और अपनी बातें दिख कैरेक्टर की बातें मतलब एक तरह से देख सकते हो। अब मोस्टली एनीमे मांगा और विजुअल नॉवल्स में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर ध्यान से देखा जाए, तीनों की तीनों अलग अलग तरह की स्टोरी टेलिंग के मेथड्स हैं, पर उन सब में देखा जाए तो मोस्ट एफिशिएंट वे, अगर तुम एक कैरेक्टर को फील करना चाहते हो साइकोलॉजिकली, क्योंकि मांगा और एनीमे में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते कि एक कैरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है इन चीज़ों पर, विजुअल नॉवल में इन बातों में बहुत ध्यान दिया जाता है। उसमें हम कैरेक्टर का मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उसमें हम एज अ कैरेक्टर अपने आप को है ना रखते हैं उस वर्ल्ड के अंदर। अगर इस सब के बाद तुम्हें विजुअल नॉवल्स को एक ट्राई देना चाहते हो तो स्टार्ट कर सकते हो तुम पहला दंगनरोनपा से। इसका एनीमे तुमने देखा है तो भगवान ही भला करे तुम्हारा। एनीमे एडेप्टेशन का अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, पर इसका विजुअल नॉवल ज़बरदस्त था। ये एक मिस्ट्री सर्वाइवल विजुअल नॉवल है, इसकी स्टीम पे 10/10 रेटिंग है। अगला है सॉन्ग ऑफ साया। अगर तुम्हें हॉरर का नेक्स्ट लेवल देखना है, सच में नेक्स्ट लेवल देखना है बिल्कुल हॉरर का, तो इसे चेकआउट करो। इसका रेटिंग है 10/9 स्टीम पे। अगला है 999, 9 hours 9 doors 9 person। ये भी एक मिस्ट्री सर्वाइवल विजुअल नॉवल है, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा कमाल की है, मतलब आखिरी तक आते हुए तुम्हारे ये होश उड़ा के रख देगी कि ऐसा भी हो सकता है। इसकी रेटिंग है 10/9। कॉस्ट पार्टी, इसका भी एनीमे एडेप्टेशन हुआ था जो बिल्कुल ही कबाड़ था, पर इसकी विजुअल नॉवल अलग ही लेवल पे थी। इसका जॉनर है हॉरर मिस्ट्री सर्वाइवल। इसकी रेटिंग है 10/9 स्टीम पे। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी विजुअल नॉवल खेलने वाले हो, और अगर तुम विजुअल नॉवल खेलते हो तो मुझे कुछ ना कुछ रिकमेंड करना कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।